बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं आलू वाले चावल, यानी कि आलू पुलाव। तो उसके लिए मेरे पास क्या क्या, ये मेरे पास 1.5 किलो चावल हैं। इनको मैंने आधा घंटा हो गया धो के पानी में भिगो के रख दिया है। 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं, इनको मैंने काट लिया है। आलू हैं मेरे पास 3 पाव के करीब आलू हैं। 2 बड़े टमाटर हैं, हरी मिर्च काट लिया और कुछ इस तरह से लेंथ में मैंने काटी हुई है। और ये थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट है, अगर आप ये डालना चाहें तो ठीक है, अगर नहीं तो छोड़ दें आप इसको। मसालों में क्या है मेरे पास, 1 चम्मच मेरे पास जो भर के ना वो ज़ीरा है, और ये देखें काली मिर्ची हैं साबुत, दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची और तेज़पत्ता। थोड़ी सी मेरे पास हल्दी है, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपके अगर नहीं पसंद करते तो आप रहने दें। और ये है मेरे पास काली मिर्च है और कुटी हुई लाल मिर्च है। नमक हसबे जायका, नमक और मिर्च जो है वो हसबे जायका जाएगी। तो सबसे पहले मैं आलू को काट रही हूँ। अगर आप आलू को इस तरह लेंथ में रखना चाहते हैं तो इस तरह रहने दें, ठीक है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी। अगर इस तरह क्यूब, अगर आप इसको क्यूब्स में करना चाहते हैं, साइज़ छोटा रखना चाहते हैं, तो आप वैसे कर लें। तो सबसे पहले हम तेल को गर्म करते हैं। देखिए मैंने बर्तन में जो घी है ना वो डाल दिया, मैंने तेल नहीं लिया, ये मैंने घी डाला है। 1 पाव के मेरे पास घी है, इसमें मैंने डाल दिया प्याज। प्याज के साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी ये जो साबुत खड़े मसाले हैं ना, तेज़पत्ता, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची और साबुत काली मिर्च, ये मैंने डाल दी है। तो प्याज को हम हल्का सा कलर देते हैं। माशाल्लाह से प्याज जो है ना वो हल्की सी ब्राउन हो गई है। अगर आपको तेज़ कलर पसंद है तो आप इसमें इसको और तेज़ कलर दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने थोड़ा सा जो अदरक लहसुन था ना वो डाल दिया। इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी ये जो मैंने टमाटर काटे हैं ना, ये और कटी हुई जो मैंने काटी है हरी मिर्च वो मैंने डाल दी है। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी जो हल्दी थी, काली मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च। साथ में हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक हम पहले चेक करेंगे, अगर हमें कम लगेगा तो हम फिर डालेंगे। इसी के साथ इसमें डाल देंगे हम आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम आलू को इसमें मसाले में भूनेंगे। इसी के साथ जो हमारे टमाटर हैं वो भी अच्छी तरह से साफ़ हो जाएंगे। टमाटर जो है बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो गए, हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरह से तैयार हो गया। अब हम इसमें डाल देते हैं पानी। अभी मैंने जो ज़ीरा था ना वो नहीं डाला, और जो काटी हुई लेंथ में हरी मिर्चें थी वो भी अभी मैंने रखी हुई हैं। पानी हमने इतना डालना है, अगर आपके पास 3 गिलास चावल हैं तो आप उसमें 6 गिलास पानी डालेंगे, ठीक है, चावलों का डबल पानी डालता। तो ये मैंने पानी डाल दिया। इसी में पानी डालने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी ज़ीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम पानी को उबालने का इंतज़ार करते हैं और इसी पानी में हम आलू को गलने भी देंगे। चला से इसको उबलते हुए 5 मिनट हो गए हैं, आलू जो वो भी अच्छी तरह से गल गए हैं। ये देखें अच्छी तरह से आलू गल गए हैं। अब मैं इसमें डाल देती हूँ चावल, और साथ ही आप चावलों का नमक भी चेक कर लें। चावलों को अच्छी तरह से मिक्स करके इनको कवर करके रख दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें डाल देते हैं जो कटी हुई हरी मिर्चें हैं वो डालते हैं। चावलों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। देखें अगर आपको ऐसा लगे कि गलती से आपके चावलों में पानी ज़्यादा चला गया है, तो आप जो हम चावलों के ऊपर कपड़ा देते हैं दम देने के लिए, उसको गीला करके दे दें। तो क्योंकि ये जो चावल हैं ये बिल्कुल सही अल्लाह के कम से जा रहे हैं, तो मैं इसके ऊपर ऐसे ही सूखा कपड़ा दे रही हूँ। इस तरह सूखा कपड़ा लगा रहे हैं इसके ऊपर और इसको कवर कर दें, और आँच बिल्कुल हल्की कर दें, बिल्कुल हल्की। इसको 10 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। अर्रहमानिर्रहीम, चावलों को हमने दम से खोल लिया, और देखें माशाल्लाह से हमारे चावल कितने अच्छे बने हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। देखें चावलों को मैंने डिश आउट कर लिया, साथ में मैंने तैयार किया है रायता, काली मिर्च और ज़ीरे वाला, ठीक है। तो आप इसको घर में ट्राई करें, साथ साथ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।